मखदूम अशरफ सिमनानी एक रोज शिकार के लिए तशरीफ ले गए थे। जब आप जंगल में पहुंचे, आपके सिपाही आपके साथ थे, तकरीबन दो तीन दिन आपने वही जंगल में गुजारे, वही अल्लाह की इबादत करते थे, वहीं पर आप शिकार किया करते थे। एक बूढ़ी औरत आती है, आंखों में आंसू लेकर के आई है, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पास आने की बात कर रही है। सिपाहियों ने उसे रोक दिया है। मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं, इस बुढ़िया को मेरे पास आने दो। वो ज़ईफ़ा आती है, बूढ़ी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चेहरा बता रहा है कि इसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसका वजूद बता रहा है ये किसी की सताई हुई है। बुढ़िया जब आई, मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया, बता अम्मा क्या बात है। उस बूढ़ी ने कहा, आपके एक सिपाही ने मेरा दही जुल्मन ले लिया है और मुझे उसकी कीमत नहीं दी है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी को जलाल आ जाता है, फरमाया इन सिपाहियों के चेहरे देख और मुझे बता कौन सा वो जालिम है जिसने तेरा दही बगैर कीमत के लिया है। आप ने जब इतना फरमाया, उस ज़ईफ़ा ने सबके चेहरों पर नजर डाली, बोली इनमें से कोई नहीं है। फरमाया तू खूब उसको पहचानती है। उसने कहा हाँ हुजूर, मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकती। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अच्छा। एक सिपाही और घोड़े से आ रहा था, शिकार करने निकल गया था। जब वो करीब में आया, ज़ईफ़ा ने कहा हुजूर यही वो शख्स है जिसने मेरा दही लिया था और मुझे कीमत नहीं दी थी। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया तूने ज़ईफ़ा का दही लिया है और तूने उसकी कीमत अदा नहीं की है। उसने कहा हुजूर ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता ये बुढ़िया कौन है और कहां से आई है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा कोई गवाह है तेरे पास में? तो उस ज़ईफ़ा ने कहा हुजूर मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अभी मेरे पास एक तरीका मौजूद है। आपने एक सिपाही को हुक्म दिया चंद मक्खियां पकड़ करके लाओ। चंद मक्खियां पकड़ करके लाई जाती है और ला करके उस ज़ईफ़ा के सामने उसके मुंह में डाल दी जाती है। उस सिपाही के जब उस सिपाही के मुंह में डालना था कि उसको तय आती है, उल्टी आती है और वो सारा दही उल्टी के जरिए बाहर निकल आता है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अब बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। माफी मांगने लगा। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का अदलो इंसाफ देखो, उसका घोड़ा माजीन के उस ज़ईफ़ा को दे दिया जाता है और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, माजूल कर दिया जाता है और सजा दी जाती है। ये है हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी 15 साल की उम्र में फैसला फरमा रहे हैं। हजरत उमर की अदालत के जलवे जिस जात में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। सिद्दीक की सदाकत के जलवे जिस जात में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। हजरत उस्मान की सखावत के जलवे जिस जात में नजर आए उसे मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। हजरत अली की शुजात के तेवर जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। इमाम हुसैन की इस्तिकामत जिसके अंदर नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं।